बुंदेलखंड रीजन भी इतनी बढ़िया कप कि हम लोग वहाँ से सीएसए कानपुर से आके देखना चाहे, सर ने टाइम दिया, सर्वप्रथम सर टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ बादा कृषि विश्वविद्यालय में। मैं डॉक्टर आर के सिंह सब्जी विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हूँ और यहाँ पर मैं ओनियन गार्लिक प्याज और लहसुन और इस संरक्षित खेती पे काम कर रहा हूँ। और जब से मैं यहाँ आया हुआ हूँ 2018 में जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था और फिर यहाँ पर जो मुझे दायित्व तो दिया गया ये जो है डेवलपमेंट करने का जो संरक्षित खेती का था तो इसको मैंने जो है डेवलप किया। आप जहाँ देख रहे हैं जहाँ इस समय आप खड़े हैं ये पहले यहाँ पर पूरा बबूल और कांटेदार झाड़ियाँ हुआ करती थी तो उसको हम लोगों ने लैंड डेवलपमेंट कर करके अच्छे से इसको विकास कर करके यहाँ पर संरक्षित खेती के लिए जो है हम लोगों ने डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर बनाया। कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक नेचुरल वेंटिलेटेड पाली हाउस है, एक इंसेक्ट प्रूफ नेट पाली हाउस है, ये ग्रीन शेड नेट है, मिस चैम्बर है, हार्डनिंग चैम्बर है। तो ये चार पांच हम लोगों ने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया और इसमें 2019 से इसमें विभिन्न तरह की सब्जी फसलों को हम लोगों ने यहाँ पर उगाना शुरू किया जिसमें शिमला मिर्च में लाल और पीला शिमला मिर्च जिसके कि मार्केट बाजार वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, यहाँ के किसान लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं। और जो ये टमाटर की फसल आप देख रहे हैं ये टमाटर की फसल कम से कम जो है ये 8 से 10 से 12 फीट तक ऊपर जाती है, जैसे 4 से 5 मीटर तक जाती है, इसको ट्रेन कर करके ऊपर हम ले जाते हैं और एक पौधे से कम से कम इसे 6 से लेकर 10 किलोग्राम तक फ्रूट हम इसे ले लेते हैं जिससे क्या होता है कि कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमको उपज मिल जाती है जिससे कि किसान भाई इसे आसानी तरीके से अपनी आय को दोगुनी कर लेते हैं। इसमें और आगे भी देखेंगे आप तो इसमें चेरी टोमेटो हमने लगा रखा है दूसरे स्ट्रक्चर में जिसकी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होता है और उसको जो है मार्केट में ले जाकर के 100 से 150 रुपया किलो प्रति किलो के हिसाब से बाजार में बेच करके किसान भाई यहाँ पर आमदनी अपनी दुगनी कर रहे हैं। तो ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पिछले 3 सालों में इसको एस्टेब्लिश किया गया है और यहाँ के किसान भाई हमेशा आते हैं देखने के लिए और ये बहुत ही बढ़िया इसमें फसल जो आप इस समय देख रहे हैं इसको भी अपने प्रक्षेत्र पे वो लोग अपना कर करके अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहे हैं। सर एक मिनट, जैसे सर आप सबसे पहले आपकी पोस्टिंग यहाँ कब हुई थी? जनवरी 2018 में। सर जब आए थे तो क्या आपको ऐसा मतलब अंदाजा था कुछ हम ऐसा कर जाएंगे जैसा आप कर दिए हैं आज? हमने जब यहाँ पर आए हम तो काफी लोगों से इंटरेक्शन हमारा हुआ, किसानों से हुआ, यहाँ के जो सब्जी उगाते हैं उनसे हुआ। तो मैं कहीं भी फील्ड पे जाता था तो यहाँ पर बड़ा ही निराशा हुआ करती थी उस समय कि मतलब कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर ऐसा है, सॉयल का स्ट्रक्चर ऐसा है और पानी नहीं है तो लोगों में ये रहता था कि यहाँ पर जल्दी से कुछ होता नहीं है कुछ हमका। तो हमने कहा कि ये चीज सुनते सुनते कि कुछ नहीं होता है लेकिन हमने एक अपना ये सोचा उसके बारे में कि एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन तो जरूर होगा जी। तो वही एक दिन का ये परिणाम है कि मैंने लगातार प्रयास किया इसको और आज करते करते इस कंडीशन में यहाँ बांदा कृषि विश्वविद्यालय है कि यहाँ पर हर तरह के हाई वैल्यू क्रॉप को हम उगा रहे हैं और किसानों के लिए ये तकनीकी दे रहे हैं जिससे कि वो अपने आय को दुगनी करने में सक्षम हो रहे हैं। मात्र तीन साल में 2019 से शुरू हुआ क्योंकि एक साल तो स्ट्रक्चर बनने में लग गया जी। और मात्र उसके बाद 19, 20, 21, 22 से चल रहा है तो मात्र 2.5 से 3 साल में ये आप देख रहे हैं डेवलपमेंट है और यहाँ पर हर तरह की क्रॉप जो है आप देख सकते हैं लगी हुई है और इस तरह से अगर किसान भाई इसको अपनाते हैं तो उनके जरूर उनको जो है फायदा होगा, उनकी आय दोगुनी होगी जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों की आय तो ये अपना करके किसान अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों में सुधार। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी की है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इसे फंडिंग कर रहा है, ये फील्ड लेवल पे सर बिल्कुल है क्योंकि इसमें जब आदमी काम करता है तो इसमें एक या दो लोग इतने ट्रेंड हो जाते हैं तो उनका जो है इसमें आकर्षण बढ़ता जाता है क्योंकि इसमें क्रॉप बहुत अच्छी होती है, उपज बहुत अच्छी होती है और विभिन्न तरह का जैसे आप उगाते हैं लाल ये टमाटर उगाते हैं, लाल शिमला मिर्च उगाते हैं और हरा शिमला मिर्च उगाते हैं, चॉकलेटी कलर का शिमला मिर्च उगाते हैं, पीले रंग का शिमला मिर्च, एक उसके साथ जो है लगाव भी होता जाता है कि ये अच्छी क्रॉप है और मार्केट में इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा मिलती है। तो ग्राउंड लेवल पे अगर इसको किसान करता है तो उसको
मार्केट के लिए, बाजार के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन वो प्रयास अगर करता है मार्केट में जा करके लोगों को पकड़ता है कि हमारी सब्जी की कहाँ पर हम सप्लाई करें, जैसे कि लखनऊ मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ से कलकत्ता जा सकता है, यहाँ से ये मुंबई जा सकता है, जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें जो है इसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है भेज करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लिया जा सकता है। जैसे जो फसल तैयार हो गई, जो फल है, जो जैसे टमाटर हो गए, गोभी हो गई, ये आप तैयार कर लिए, मार्केटिंग चैनल क्या है सर? DHO वगैरह उसको सहायता मिलती है क्या, कैसे सर थोड़ा बताएं, जैसे जो किसान कर रहे हैं वो अपनी फसल को बेच सके आराम से। देखिए पहले तो ये यहाँ का थोड़ा सा बुंदेलखंड का बाजार जो है बड़ा सीमित है, और यहाँ पर जो किसान भाई अगर जो प्रोड्यूस अपना करते हैं वो लोकल मार्केट में ले जाते हैं तो वहाँ पर तो उनका बिक जाता है आसानी से, लेकिन जब इसमें करेंगे तो उनका जो है उपज ज्यादा होगी, तो उसके लिए हमको पकड़ना पड़ेगा, जैसे कि जो ये मार्केट के जो ले जाते हैं सब्जी सप्लाई करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ले जा करके बाहर देते हैं, तो उनसे बात कर करके वो खेत पर ही आते हैं और उठा करके ले जाते हैं और मार्केट में भेज देते हैं। तो इस तरह से अगर हम मार्केट बाजार का चैनल बना लेते हैं थोड़ा सा मेहनत कर करके तो हमारा प्रोड्यूस भी दूर दूर के सर, क्योंकि आज देखिए बहुत ही अच्छा हो गया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस जुड़ गई है पूरा, ये मैनपुरी इटावा और इधर से होते हुए आगरा से होते हुए पूरा दिल्ली तक, तो यहाँ के अगर किसान भाई इधर बुंदेलखंड एक्सप्रेस के आजू बाजू में ये चीज लगा करके करते हैं तो उनका तुरंत वहां से ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है दूसरे शहरों में चला जाएगा और प्रोड्यूस अच्छा होगा तो कहीं भी किसी भी बाजार में अच्छी कीमत पे बिकेगा। सर किसानों को विश्वास में लेने के लिए कि मतलब एक रुपए लगाने संरक्षित खेती में एक रुपए लगाया जाए कितने रुपए मिल सकते हैं, इस पे क्या कहेंगे? इस पे देखिए इसमें तो मैंने यहाँ पर कास्ट ऑफ कल्टीवेशन जो कीमत और लागत होती है जो कितनी लगती है, तो अगर आप खीरा में जैसे लगाते हैं तो एक रुपया लगाएंगे तो कम से कम 3 से 4 रुपए आपको आमदनी हो जाती है। टमाटर अगर आप लगाते हैं तो एक रुपया लगाएंगे तो 2.5 से 3 रुपए की आमदनी हो जाती है। शिमला मिर्च में भी 2.5 से 3 रुपए की आमदनी हो जाती है, तो जो आप लगाओगे उससे ज्यादा ही आपको रिटर्न मिलता है, इसलिए ये संरक्षित खेती करना जो है किसान के लिए ज्यादा संरक्षित भी है, जिससे जो है आमदनी आनी ही आनी है, बस बाजार भाव को ठीक कर ले और उसको जो है उसमें भी गवर्नमेंट उसकी सहायता कर रही है, बाजार का लिंक डेवलप कर रही है जिससे कि अपने दूर डिस्टेंस मार्केट में बेच करके ज्यादा से ज्यादा आमदनी प्राप्त करें। जैसे कोई किसान सर बनवाना चाहे, आप अभी बता रहे थे कुछ सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है, इसमें जो है क्या प्रोसेस है थोड़ा सा संक्षेप में बताएं सर? जैसे आपको अगर मान लीजिए कि 1 एकड़ में जो है पाली हाउस लगवाना है तो आप जो डिस्ट्रिक्ट के DHO हैं, डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर हैं, तो उनसे जाकर के बात करिए और वहां पर ये बताइए कि हमको 1 एकड़ में इसमें जो है इस तरह का, जैसे कि नेचुरल वेंटिलेटेड पाली हाउस या इंसेक्ट प्रूफ नेट या ग्रीन सेड नेट हमको 500 स्क्वायर मीटर के लगवाने हैं, तो वो उन लोगों का एक प्रोजेक्ट डेवलप्ड है जो कि इस पर सरकार 50 से 60% सब्सिडी देती है, तो आपको वो एक डिजाइन बना करके दे देंगे, तो उससे जो है आप पहले उसको बनवा लेंगे, फिर उसके बाद जो है जब आपका बन जाता है फिर उसके बाद जो है आपके अकाउंट में पैसा सरकार जो है 50-60% ट्रांसफर कर देती है, और जो 50-60% 40-50% आपका बचता है, जैसे मान लीजिए कि आपके एक पाली हाउस बनवाने में अगर 4 लाख रुपए लगता है तो सरकार उसमें 2 लाख रुपए आपको दे देती है, और 2 लाख रुपए आपको जो जेब से लगते हैं अगर उसमें संरक्षित खेती 1 साल बढ़िया से 1 से 1.5 साल कर लेते हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपए 1 से 1.5 साल में आपका निकल जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट बहुत दिन तक नहीं रहता है और इसमें जो है आपको आमदनी तुरंत मिलने लगती है जिससे कि आपकी जो लगी हुई कीमत है उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी हो जाती है। ठीक है सर, टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपसे परमिशन चाहेंगे सर, जैसे हर जो भी है आपका वो उसका सबका हम वीडियो बनाएंगे। आप जो है इसको आप ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसको जो है किसानों में आप जो है वीडियो को डालें जिससे कि किसान देखें कि बुंदेलखंड प्रक्षेत्र में भी इस तरह से संरक्षित खेती हो रही है और बांदा कृषि विश्वविद्यालय इसको कर रहा है और किसान के आय बढ़ाने में अपना पूरा ही रोल को निभा रहा है जिससे कि उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।